सीमास किचन में आज स्ट्रीट फूड स्टाइल बन कबाब सिखा रहे हैं, जिनके लिए मैंने ये वाले बन लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं। इनको तीन पीसेस में मैं काट लूँगी। इस तरह से मैंने इसके तीन पीसेस कर लिए हैं, बाकी के भी मैं तमाम इसी तरह काट लूँगी। तवा गर्म हो चुका है, मैं इस पर हल्का सा घी लगाऊंगी और तीनों बन इस पर रख लूँगी। पहले एक जगह थोड़ी सी गर्म करूँगी और हल्का सा घी दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। ये गरम हो चुके हैं, इनको हटा लूँगी। एक प्याले में तीन अंडे तोड़ लेंगे। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर्स डालूँगी। तवे पर थोड़ा सा घी डाल लेंगे। देख लेंगे गरम है तवा, और इस पर मैं अंडा डाल लूँगी। पहले नीचे से बना लेंगे, फिर इसको हम टर्न करेंगे। उठाकर थोड़ा सा नीचे से देख लेंगे, अभी भी ये नीचे से थोड़ा कच्चा है। अब जबकि हर चीज़ तैयार हो चुकी है, जो बन के तीन स्लाइस किए थे उसको मैंने एक प्लेट में फैला लिया है और तीनों पर मैं मायोनेज़ लगा लूँगी। ये वाला जो कि नीचे का स्लाइस है, इस पर मैं थोड़े से प्याज लगा लूँगी। जितना आपको पसंद है खीरे थोड़े लगा लूँगी। थोड़ी सी बन गोभी, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है, कद्दूकस नहीं किया है। अंडा रखूँगी। चिली गार्लिक सॉस डालूंगी इस पर। अब ये वाला मैं जहां पर मायोनेज लगी हुई थी उसको यहां पर फ्लिप कर दूंगी और ऊपर भी थोड़ी सी मायोनेज लगाऊंगी। शामी कबाब की टिक्कियाँ जिनको मैंने तलकर रखा हुआ है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक फाइंड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। एक टिक्की लूँगी, अब मैं इस पर तोड़ तोड़ कर लगा लूँगी इसके पीसेस कर कर। और हॉट सॉस डालूँगी इस पर मैं, ये ऑप्शनल है, मुझे स्पाइसी पसंद है। और जो आखिरी लेयर थी वो इसके ऊपर रख दूंगी और ये तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। चारों बन कबाब तैयार हो चुके हैं, सबको अलग अलग सर्व करें। इसको मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया है, बीच से काट लूंगी इस तरह से। साथ फ्रेंच फ्राइज, जब बात हो रही है फास्ट फूड की तो फ्रेंच फ्राइज मस्ट है। इस तरह से आप सर्व कर कर एक एक प्लेट बना बना कर सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।